ये बहरी सरकार सुन सके और इस पर कोई निर्णय ले सके। हम जब तक हम बार बार कह रहे हैं सरकार को, शराब व्यवसायी मर गया है, उसके व्यापार खत्म हो गया है, उसके परमिट फीस 2006 की नीति के अनुसार बल लीटर ना होकर एक मुश्त परमिट ली जा रहा है। एक जो दुकान सरेंडर करता है व्यक्ति, वो उसी दिन उसे निरस्त समझी जा रहा है। राजस्थान स्तर पर एक मीटिंग हो रही है, इसमें हमारा मुख्य एजेंडा ये है कि जो आबकारी नीति 2021-22 बनाई गई है वो पूर्ण रूप से शराब व्यवसायों के विरुद्ध है। इसमें इन्होंने कंपोजिट फीस लगा दी, इन्होंने BLF हमारे ऊपर थोप दी गई है, समय समय पर राइडर लगा देते हैं। कोरोना काल का समय था, अप्रैल से लेके सितंबर तक जो बकाया है वो बहुत लोगों की बिक्रियाँ नहीं आ रही थी, उसमें बकाया रह गई है, वो हम पे थोप दी गई है। हमको किसी प्रकार की छूट नहीं दे रही है सरकार हमारी। हम बार बार सरकार के पास जाते हैं, हमारी कोई बात समस्या सुन नहीं पा रहे हैं। तो अभी पहले तो ये सब जिला स्तर पर अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज हमने पूरे राजस्थान के सभी जिलों के प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया है और ये एक मीटिंग रखी है ताकि हमारी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से ये बहरी सरकार सुन सके और इस पर कोई निर्णय ले सके। हम जब तक हम बार बार कह रहे हैं सरकार को, शराब व्यवसायी मर गया है, उसके व्यापार खत्म हो गया है, उसके घर बिकने की मोहब्बत आ गई है, मगर ये सरकार ये है जो इनके कानों में रूह नहीं रेंग रही है और कोई भी निर्णय नहीं ले रही है हमारे। सर समय को लेकर भी कोई दिक्कत है? समय तो हम भूल गए, समय तो हम बार बार कह के थक गए हैं। ये सरकार गांधीवादी चोला भी पहनना चाहती है, शराब बिकाना भी चाहती है, शराब व्यवसायियों से पैसा भी वसूल करना चाहती है, मगर उनको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं देना चाहती। एक उच्च अधिकारी के तो ये स्टेटमेंट है कि हमने कोई आपको पीले चावल थोड़ी दिए थे, तो आप जो ये सरकार के दुकानें लेने आए हो तो हम उनको बताना चाहते हैं आप हमें पीले चावल ज़रूर दिए थे। इतने बड़े बड़े विज्ञप्ति छपाई थी, एक एक DO लोगों के घर पर गया था, एक एक व्यापारियों के घर गया था कि आप किसी प्रकार इस पॉलिसी को सफल बना दें, आप उठा लें। आज हम रेट बढ़ाई थी, आज वो कहते हैं कि 13,000 करोड़ की रेवेन्यू से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये भी बता देते हैं 13,000 करोड़ की रेवेन्यू से फर्क नहीं पड़ता तो शराबबंदी कर दीजिए। आज आप शराबबंदी करोगे तो 13,000 का इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा 50,000। राजस्थान में टूरिस्ट आता है, आज आपको टूरिस्ट के कारण इतनी रेवेन्यू मिलती है, अगर राजस्थान में टूरिस्ट नहीं आया, आपकी शराबबंदी हो गई, तो इस सरकार की हालत बुरी हो जाएगी। तो कहना आसान है, हम ये नहीं कहते हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, मगर हमारी समस्या तो सुने। बार बार हम किसी भी विधायक के पास जाते हैं, किसी सांसद के पास जाते हैं, वो एक ही कहते हैं कि साहब CM साहब इस शराब व्यवसायों पे कोई भी बात नहीं करना चाहते। जब बात नहीं करना चाहते तो अपने पास में उसका मंत्रालय क्यों रख रखा है? आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे की रूपरेखा ये है, हम सब जिला स्तर पर पहले जो जिला में प्रधान हैं, कलेक्टर हैं, विधायक हैं, उन सबको ज्ञापन देंगे। उसके बाद में 16 तारीख या 17 तारीख को हमें ये ज्ञात हुआ है कि उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री जी प्रतापगढ़ और उदयपुर जाने वाले हैं, वल्लभ नगर, तो हम सभी वहां पे जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि हमारे को इस प्रकार की इसमें छूट दी जाए या हमारी मांगे मानी जाए। अगर तब भी वो हमारे पे कोई मांगे नहीं मानते हैं तो फिर हम जो पूरे राजस्थान में निश्चित समय तय करके बिल्डिंग बंद कराएंगे, दुकानें सरेंडर करेंगे, दुकानें इनको सौंपेंगे। बीच में